खबर है मोतिहारी से, जहां मोतिहारी मुफस्सिल थाना अंतर्गत रायसिंघा गांव के वार्ड नंबर 10 का रहने वाले युवक अनिल कुमार पासवान उम्र 20 वर्ष, पिता विनोद पासवान जो गांव के पास ही रस्क की फैक्ट्री में कार्य करता था और केवल सुबह शाम खाना खाने अपने घर जाता था। प्रतिदिन की भांति अनिल अपने घर से रात को खाना खाकर फैक्ट्री के लिए निकला। बता दें कि अनिल रात को फैक्ट्री में ही सोता था। बीते देर रात वह खाना खाकर फैक्ट्री गया और आज सुबह उसकी मरने की खबर पाकर परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं। अनिल का शव फैक्ट्री के महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे मिला। परिजनों का कहना है, सुबह सब्जी बेचने जा रहे किसी राहगीर की नजर मृतक के शरीर पर पड़ी, जो सड़क किनारे झाड़ियों के बीच था, जिसके बाद उसने चीख पुकार मचाना शुरू किया, लोगों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने शव की पहचान करते हुए उसके घर खबर भेजी, जिसके बाद मुफस्सिल थाना मोतिहारी को खबर की गई, जहां मोतिहारी मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और आगे तफ्तीश में पुलिस जुट गई। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। परिजनों के अनुसार रात 11 बजे के बाद और सुबह के बीच अनिल की गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं हत्या के बाद अनिल का मोबाइल भी गायब है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही अनिल के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया गया। हत्यारा फरार है और हत्या की गुत्थी को सुलझाने में मोतिहारी पुलिस जुट गई है। मोतिहारी से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विनोद पासवान। क्या हुआ है? ये लड़का 9 बजे खाली खाना खा के गया साई नगर गाँव का बिस्कुट फैक्ट्री का। तो बिस्कुट फैक्ट्री आपके घर से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। हाँ, तो खाना खाने गए तो फिर क्या हुआ? खाना खाते गेलन, या खाना लेके गेलन, खाना वहाँ जो उन्हें खाए वही दम सूतल, कोई ना रहता ही रहा। हाँ, थोड़ा बाद में रात के का भेल का ना भेल, रात के ऊपर गला में फांसी लगा के दाब दूब के मार के बहुत मार मार के मार निकलो निकाल के स्कूल के सैनगर स्कूल का बगल में पोखरा बा, वही पोखरा गांव के बंदी के लिए। आपको जानकारी कितने बजे मिली? 7 बजे सुबह में। सुबह आपका क्या नाम हुआ? विनोद पासवान। आप लड़के का क्या? अनिल पासवान। लड़के का नाम अनिल पासवान है। आप लड़के के पिता हैं? हाँ। क्या क्या नाइट शिफ्ट था? कोई शिफ्टिंग नहीं था, नाइट शिफ्ट में काम होता ही नहीं। मतलब तो ये लोग बोले कि 11 बजे रात के बाद की कोई वहीं रहता है? अच्छा, वहाँ रहता ही था। वहीं रहता है, खाना खाने घर पे आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, केवल खाना खाने घर पे आता है। खाना खाने घर, खाना खा करके रात गया, उसके बाद की घटना के लिए घर पे आता है और आता वहीं पे, वहीं काम देखता है, वहीं सोता है, सब लेबर सब वहीं सोता है, वहीं रहता है। लेकिन कल कोई लेबर था नहीं, कोरोना के कारण लड़के अपने घर चले गए थे, लेबर कम आने वाले थे, तीन ही लेबर आए थे, इसलिए 3 आए, 2 दिन रुके, 3 से तो काम हो नहीं सकता था, तो 3 वापस चले गए।